तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। नागपुर से मैं अब्दुल शेख और आज हम खड़े हैं सिंधु बॉर्डर पे, जहां से आपको हम जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रहे हैं। यहां पर जो लंगर चल रहा है, ये पूरे किसान अपने पैसों से करते हैं, इनके पास में कोई फंड नहीं आता है। हमने आगे भी पूछा है तो इनको कोई फंड नहीं दे रहा है। जैसा कि फंड के बारे में बताया गया है कि इनको फंड आता है बाहर से और बाहर का फंड आता है, इसीलिए यहाँ पर ये इतना सब कुछ कर रहे हैं, इसीलिए किसान यहाँ पर टिके हुए हैं। तो हम देर ना करते हुए जानते हैं, बाबूजी सत श्री अकाल, किसान को आंदोलन करते हुए अभी 10वां महीना चालू हो चुका है, तो आपका लंगर कब से स्टार्ट है बाबूजी? पहले दिन से स्टार्ट है। पहले दिन से 24 घंटे लंगर चलता है। तो मिनिमम यहाँ पर रोज कितने लोग आते हैं लंगर में एक टाइम में? लगभग 2500 से 3000। तो ये लंगर कितना दो बार होता है, सुबह और शाम? हाँ, सुबह भी, सुबह 10 से 5, फिर उसके बाद रात को 7 से रात पूरी चलता है 7 बजे। जैसा कि बताया गया ये है कि यहाँ पर जो आप लंगर करते हैं, जो खर्चा करते हैं, आपको बाहर से फंड आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फंड नहीं आ रहा, सारा किसानों का। दिल्ली जो दिल्ली कमेटी, प्रबंधक कमेटी है ना जो हमारी दिल्ली की, वो दे रही है। बाकी आपके बारे में तो सीधा इल्जाम लगाया जा रहा है न्यूज के ऊपर के फंड बाहर से आता है आपको। जो लगा रही लगाने, तो लगाने से कुछ नहीं होगा। ऐसे दिल्ली कमेटी, जो हमारा दिल्ली कमेटी का जो प्रबंधक है ना, जो हमारा यहाँ पर सिरसा साहब है प्रधान साहब, उनकी तरफ से ये लंगर लगाया गया है, वही यहाँ पर सारा कुछ भेजते हैं फंडिंग। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर 3-3 मेडिकल कैंप लगाए गए, वहाँ पर भी पूरे एंटीबायोटिक दवाइयों को स्टॉक बहुत सारा है, यहाँ पर दवाई भी फ्री में हो रही, पेशेंट का इलाज फ्री में हो रहा, उनको सलाइन ग्लूकोज भी फ्री में लगाया जा रहा है। और अभी आपसे जानकारी मिली है कि यहाँ पर एक टाइम में 2500 लोगों को आप लंगर खिलाते हैं और दो टाइम में मतलब लगभग 5000 लोगों का यहाँ पर लंगर का खाना होता है, और यहाँ पर सिर्फ किसानों का खाना हो रहा है, यहाँ पर स्थानीय लोग वो भी आ रहे हैं? स्थानीय लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर, स्थानीय लोग भी पूरे यहाँ पर कुल मिला के 2500-3000 बंदे हैं जो लोकल, जो सब लंगर सकते हो। किसान लोग ज़्यादा लोकल है, ज़्यादा लोकल सभी के लिए लंगर है। तो जैसे कि आप लंगर जो किसानों के लिए बना रहे हैं और लोकल लोग आ जाते हैं, आप उनको मना नहीं करते? नहीं करते हैं। कोई भी लंगर आके शक ले, लंगर की प्रथा ये होती है कि यहाँ पर जात पात नहीं देखी जाती, यहाँ पर सारे बंदे आके आराम से पंगत में बैठ के लंगर छक सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। मैंने ये जो वाहेगुरु ने जो बताया है कि सर्वधर्म के लोगों को एक साथ में लेके चलो, प्रेम बांटो, तो आप वही प्रेम बांट रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, प्रेम बांट रहे हैं बिल्कुल। और नाले यहाँ पर गुरु ने अपने आप ही चढ़ती कला रखी हुई है, टेंशन ही नहीं किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है, अपने आप लंगर आ जाता है, अपने आप शकन वाले भी आ जाते हैं, लंगर भी चलता रहता है, 24 घंटे लंगर चल रहा है चढ़ती कला महाराज जी। आपका नाम क्या है? लखवीर सिंह। आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली गई हूँ। दिल्ली के? हाँ। और आप? पंजाब। पंजाब से। आपको कितना समय हो गया यहाँ पर? मैं जब तो लंगर चलता है, मैं लंगर की सेवा करता हूँ, मतलब 9 महीने आंदोलन हो गया, 9 महीने चालू है। मैं किसान पर मैं लंगर की सेवा करता हूँ। अच्छा, किसान है, लंगर की सेवा करते हैं। तो आप अपने घर पे वापस कब जाते हो? थोड़े टाइम ले जाता हूँ, वापस आ जाता हूँ। वापस आ जाते हो। आप यहाँ पर कब से सेवा दे रहे हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरजीत सिंह। आप कहाँ से हो? हाँ, पंजाब से। पंजाब से भी लेते आप भी यहाँ पर 9 महीने से? हाँ जी। तो घर वगैरह, फैमिली? हाँ, फैमिली जाते हैं कभी कभार, एक दो बार महीने में गेड़ा मारते हैं। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जैसे यहाँ पर 15 किसान अगर वापस जाते हैं तो 15 किसान यहाँ पर वापस आ जाते हैं, तो 15 दिन के बाद में यहाँ पर किसान जो जाते हैं खेती बाड़ी करने जाते हैं या अपना परिवार, अपना घर का काम ही देखने जाते हैं, ताकि खेत में कोई दिक्कत ना हो या उसके उनके जो पशु हुए हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, डंगर रख रखे हैं जो उनको खाना पीना, क्योंकि घर में जो बहुएं बेटियां बैठी हुई हैं वो सारा कुछ नहीं कर पाती ना, तो इसलिए इनको जाना पड़ता है। 10 दिन में कुछ 10 दिन के लिए जाते हैं, फिर 10 दिन बाद फिर आ जाते हैं। मीना यहाँ पर तो सीधा ये बताया जा रहा है कि बॉर्डर के ऊपर किसान ही नहीं है। आप देख लो ना, सारी जगह निगाह मारो, कौन नहीं कह रहा किसान नहीं है? आप देखो। नहीं, हमने तो देखा है यहाँ पर निगाह। आप कैमरे को अपने घुमाओ, पूरे ऑल ओवर पूरे किसान मोर्चे को देखो और दिखाओ सबको कि यहाँ पर कितनी संगत और कितने बंदे हैं यहाँ पर किसान। पाजी, हमने तो देखा है यहाँ से 15 किलोमीटर तक आपके टेंट लगे हुए, और हमने हर टेंट के अंदर जाके देखे, वहाँ पर किसान मौजूद है, लेकिन आपको सीधा सीधा मीडिया के अंदर बोला जा रहा है यहाँ किसान है ही नहीं, तो आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं उनको कोई जवाब नहीं देना चाहूंगा, वो जो कहना चाहते हैं उनकी सोच है, और ना ही उनको कुछ मतलब गलत कहेंगे, जैसा भी कहना चाहते हैं कहें,
यहाँ पर जो जो मौजूदा पर्सन है उनसे आप पूछिए, उनसे पूछिए कि ये कितने किसान यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पर लगभग यहाँ 3 या 4 लाख बंदों का कट है अभी भी। अभी फिलहाल 3 या 4 लाख किसान यहाँ मौजूद है, कट है और बंदे कुछ आ रहे हैं, किसान यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ। तो जैसा कि यहाँ पर बहुत से किसानों की शहादत हो चुकी है, निपटाने गए हुए हैं, कुछ काम निपटा के आ रहे हैं, बहुत से किसानों की यहाँ पर शहादत हुई, वो शहीद हुए हैं, तो अभी तक आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, इतने सारे किसान जो शहीद हो चुके हैं, तो आप कब तक यहाँ पर बॉर्डर पर बैठे रहेंगे? आपकी तो मांग मानने को तैयार नहीं सरकार। जब तक सरकार सरकार मान जाएगी हम फिर जाएंगे, पहले नहीं जाएंगे, सरकार को मना के जाएंगे, जब तक कानून सरकार मनेगी ना फिर जाएंगे, पहले नहीं जाएंगे, वो साल 2 साल रहने पर रहेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह लंगर का इंतजाम किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे भी आप बताइए थोड़ा पीछे का, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना जबरदस्त यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2500-3000 लोग एक टाइम में खाते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े गंज के अंदर, यहाँ पर देखो आप, ये चावल है यहाँ पर क्या, और दाल वगैरह जो भी यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है, तो बहुत अच्छे तरीके से बंदोबस्त किया है, और बड़े प्रेम के साथ में और शांति के साथ में यहाँ पर लोगों को खाना खिलाया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। यहाँ पर किसान ही नहीं बल्कि लोकल लोग भी हैं यहाँ पर मौजूद। आप देख सकते हैं कि किसान के अलावा यहाँ पर लोकल लोग भी मौजूद है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और जगह से वहाँ बहुत किसान मौजूद है। तो देखते रहिए और बने रहिए। नागपुर से अब्दुल शेख की रिपोर्ट।